तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग ओपन हुए, आज तीसरा दिन है। 5 नवंबर से प्रॉपर ऑल इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी थी और मूवी इस संडे यानी 12 नवंबर को आ जानी है, जिस दिन दिवाली है। तो भाई देखा जाए तो मूवी का हाइप इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इनका जो प्रमोशन है ना, प्रमोशन जो स्ट्रैटेजी इन्होंने सेट करी है बहुत ही शानदार सेट करी है। पहले तो इन्होंने अपना मैसेज निकाला, देन एक ट्रेलर टाइप का निकाला, और अभी एक टाइगर इज बैक करके जो प्रमोशन चल रहा है तो सॉलिड निकाला है। उसके बाद अभी ये ट्रेलर निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अब तो वैसे भी नहीं निकालेंगे क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है और एडवांस बुकिंग जबरदस्त भी चल रही है। तो हो सकता है कि ये एक आध सॉन्ग और निकाल लें। कल एक सॉन्ग आया था रुआन करके, वो भी दमदार है। दूसरा टाइगर 3 ये मूवी इतनी खतरनाक क्यों होने वाली है? मतलब एक्शन के मामले में तो ये जबरदस्त चली रही है, उसके बाद स्पाई यूनिवर्स का जो एक तड़का लगा रहे हैं वायरफ वाले, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी मूवी अभी तक बनी नहीं है। देखो पठान आई थी, जबरदस्त आई थी और फाड़ के भी गई। पठान स्पाई यूनिवर्स की, वायरफ यूनिवर्स की नंबर वन मूवी है, मतलब बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की नंबर वन मूवी है, जिसने 1000 करोड़ कंप्लीट की है बहुत ही जल्दी। लेकिन दूसरी तरफ जवान आई, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो अलग बात है। लेकिन वायरफ स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो पठान जबरदस्त थी। तो टाइगर 3 का बज इसलिए भी सेट करा जा रहा है क्योंकि टाइगर 3 में वो पोटेंशियल है और ये जबरदस्त तरीके से फाड़ने वाली है। तो कितने टिकट अभी तक बिक चुके हैं, कैसा क्या रुझान है और कितनी एडवांस बुकिंग से कलेक्शन इन्होंने कर ली है और कितनी कलेक्शन कर सकते हैं पठान, जो इसी सेम स्पाई यूनिवर्स की, क्या इसका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, सभी चीज़ों पर बात करेंगे करके। लेकिन उससे पहले ही आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो पठान ने इस बार, इस साल की जो नंबर वन मूवी थी, इसने स्टार्टिंग बड़ी शानदार करी थी और इसने एडवांस बुकिंग लगभग टोटल ली थी 32 करोड़ के आसपास और लगभग 1,80,000 के आसपास इसने टिकट बेचे। तो इसके रिकॉर्ड को ये तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी, इस पे बड़ा ध्यान जा रहा है। जवान ने लगभग 40 करोड़ के आसपास लिया था एडवांस बुकिंग कलेक्शन, तो देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज सुबह तक की रिपोर्ट बताने से पहले मैं एक बार कल का देखूँ तो कल रात तक ये अप्रोक्सीमेटली स्लाइटली टच कर गया था 6 करोड़ के आसपास। एडवांस बुकिंग कलेक्शन है ये 6 करोड़ के आसपास टच कर गया था और अभी मूवी के 60% शोज ओपन हो चुके हैं, अभी 40% बचे हैं। अभी 8 तारीख बची है, 9 तारीख बची है, 10 तारीख बची है, 11 तारीख, 11 तारीख को तो 10 से मैं कह रहा हूँ, 10 की शाम से और 11 के पूरे दिन में और 11 की पूरी रात में, जब 12 तारीख को 6 बजे से शो चलने शुरू हो जाएंगे वहाँ तक जो रुझान देखने को मिलेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जवान में देखा था कि एक दिन या दो दिन पहले मूवी को 28-29 करोड़ की बुकिंग मिल चुकी थी, लेकिन जब हम कुछ देर बाद देखें तो 32-33 करोड़, और जब हम सुबह एक दिन पहले देखें 4-5 घंटे बाद तो 35-36 करोड़ हो चुका था। और लास्ट जब मूवी रिलीज होने को हुई थी उससे जस्ट एक आध घंटा पहले इस मूवी ने लगभग 40 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लिया था। तो भाई बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम पे डेटाज घंटों में नहीं मिनटों में बदलते, तो अभी भी मिनटों में बदलने हैं। मैं आपको बताऊं तो लगभग ऑल इंडिया में कहां कहां बुकिंग, मेजर सिटीज़ का बताऊं, बेंगलुरु में ओपन हो चुकी है, पुणे, कोलकाता, दिल्ली एंड हैदराबाद, यहां तक जबरदस्त बुकिंग चल रही है, फिलिंग फास्ट चल रहा है और काफ़ी शोज यहां फुल हो चुके हैं, हाउसफुल शोज अभी भी हो चुके हैं, मतलब पूरी तरीके से बुकिंग यहाँ अभी चालू नहीं हुई है। तो अभी बचे हैं और भी जगह बचे हैं, वहाँ पर भी चालू हो जाएगी। फिलहाल अभी तक का देखें तो 2D हिंदी से इस मूवी ने 6,40,00,000 की एडवांस कलेक्शन कर ली है बुकिंग से और टिकट बेच दिए हैं लगभग 2,20,00,000 के आसपास। एवरेज टिकट प्राइस इसी का है 270 रुपये के आसपास और सोज इनके खाते में आ चुके हैं लगभग 9,000+। भाई साहब अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि 2D हिंदी से बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हिंदी IMAX का अगर बताऊं तो सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। वो इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि IMAX की जो टिकट के प्राइस होते हैं 900-800 कभी कभी 1,000 रुपये भी पहुंच जाते हैं और वायरफ वालों के टिकट प्राइस काफ़ी हाई ही रहते हैं। तो अभी तक जेब भी ढीली हो चुकी जनता की, दैट्स वाई की IMAX से उतना अच्छा रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ 2D हिंदी सिंगल स्क्रीन से वो अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो IMAX का बताऊं तो लगभग 33,00,000 की बुकिंग हो चुकी है और 5,300 टिकट प्लस ये बेच चुके हैं, एवरेज प्राइस 670 रुपये के आसपास या 680 रुपये के आसपास और सोज लगभग 134 इनके खाते में आ चुके हैं। हिंदी 4DX का बताऊं तो लगभग 6,50,000 के आसपास इन्होंने एडवांस बुकिंग ले ली है। तेलुगु वर्जन का देखें तो तेलुगु वर्जन से अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जवान के बाद अब क्या कहते हैं, बड़े बड़े स्टार को बॉलीवुड मूवी के,
बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। 5 लाख की एडवांस बुकिंग इन्होंने ले ली है तेलुगु वर्जन से। अगर इन सबको टोटल करके बताऊं तो मुश्किल से मुश्किल लगभग 6.5 करोड़ से ऊपर का मामला जा चुका है भाई। तो टोटल टिकट इन्होंने मुश्किल से मुश्किल लगभग 6,35,000 के आसपास टोटल टिकट सेल कर दिए हैं सुबह तक। और अगर मैं आपको बताऊं इसमें सोच कितने मिल चुके हैं सब मिलाकर, IMAX 4DX और 2D हिंदी सिंगल स्क्रीन सन तेलुगु वर्जन को मिला के लगभग 9,500 के आसपास सोच इनके खाते में आ चुके हैं अभी तक। तो अभी ये सोच और बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या कहते हैं, ये खत्म हो जाएगा ये दिन, अगर कल 8 तारीख की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 11,000 सोच हो जाएंगे उस टाइम तक। और ये बुकिंग जो अभी 6.5 करोड़ के आसपास चल रही है, मे भी 8 से 9 करोड़ पहुंच जाए, हो सकता है 10 करोड़ भी पहुंच जाए, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो भाई देखते हैं पठान और जवान के ये रिकॉर्ड को बीट डाउन करती है नहीं करती एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में। लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन माल में वो अलग बात करेंगे, उसकी प्रिडिक्शन अलग रहेगी। फिलहाल अभी एडवांस बुकिंग की बात करते हैं। 17,000 सोच मिले थे उसको पठान को एडवांस में, और टाइगर 3 को कितने मिलते हैं ये देखा जाएगा, क्या 20,000 भी मिलेंगे या 22,000। 6 लोग का कहना है कि 22,000 भी सोच मिल सकते हैं। और एडवांस बुकिंग की बात करें तो पठान को 32 करोड़ की बुकिंग लगी थी, और इसको कितनी लगती है भाई, अगर 32 करोड़ की बुकिंग को ये क्रॉस कर जाते हैं तो भाई स्पाई यूनिवर्स में, मतलब वायरफ की दुनिया में ये नंबर 1 मूवी हो जाएगी जो अभी पठान बैठी पड़ी है। और इंडियन बॉलीवुड हिस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में नंबर 1 मूवी होना है एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले में, तो जवान के रिकॉर्ड को बीट डाउन करना पड़ेगा जो लगभग 40 करोड़ के आसपास लेके बैठे पड़े हैं। तो 40 करोड़ से स्लाइटली ऊपर निकल जाए, हो सकता है मे भी 45 करोड़ भी पहुंच जाए, बज बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने भी मूवी की एडवांस बुकिंग नहीं ली है तो ले लीजिए, अगर आपकी जगह पर ये ओपन हो चुके हैं तो। अगर आपको भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।